गुड आफ्टरनून सर, चश्मा देखना है सर आपके लिए। जी जी मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये देखिए सर, आजकल ये प्लास्टिक फुल फ्रेम ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बच्चों से बड़ों तक, क्योंकि ये वेट डिवाइड करता है। एक बार लगा के देखिए आप, देखिए कैसा ये नोज मार्किंग, जी नोज मार्किंग का चांसेस भी कम कर देता है ये। जी इस टाइप में दिखाऊं? दिखाऊं जी सर, ये देखिए सर, ये ब्लैक कलर में है, क्लासिक लुक देगा, मतलब आप जो भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं या फिर ड्रेसेस पहन रहे हैं उस सब पे जाएगा, ब्लैक कलर है तो ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन चलेगा ब्लैक में फिर, कंफर्टेबल है ना? ये देख लीजिए, आपके चेहरे के लिए प्रोपोर्शनेट रहेगा ये। देखिए मतलब कैसा, इसमें अगर हम आपका कैसा दूर का और नज़दीक का दोनों नंबर है, अच्छा। तो इसमें प्रोग्रेसिव लेंस आ जाएगा, तो इसमें मिनिमम हाइट जो रिक्वायर, नज़दीक का और दूर का। जी आपका वैसे काम कैसा है दिन भर में सर? कंप्यूटर वगैरह और मोबाइल। जी जी जस्ट होता है, ठीक है चलेगा। तो ये कैसा है, प्रोग्रेसिव में है ना, अच्छा। एक मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है 30 mm की, मतलब उसमें विजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आपका, कंफर्ट अच्छा मिलेगा विजन का। तो ये फ्रेम रखते हैं सर, मैं आपको प्रोग्रेसिव का लेंस बता देता हूँ। इससे पहले आपने प्रोग्रेसिव यूज़ किया है? फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं? जी जी जनरली प्रोग्रेसिव में ऐसा होता है, डिस्टेंस इंटरमीडिएट नियर, मतलब डिस्टेंस से नियर तक ग्रेजुअली पावर चेंज होता है। अच्छा। इसमें मल्टी पावर होने की वजह से अनवांटेड पावर आते हैं, वो साइड में डाल दिए जाते हैं, ये ब्लर पार्ट होता है। इसको कम करने के लिए इसमें अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। आप जैसे आँखों का मूवमेंट कर रहे उसके हिसाब से आपका पावर एडजस्ट हो रहा है। और प्रोग्रेसिव में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम जिस डिस्टेंस पे जो पावर की नीड चाहिए अपने को, वो प्रोग्रेसिव में फुलफिल होती है, डिस्टेंस इंटरमीडिएट नियर। अगर आपका कंप्यूटर यूज़ भी नहीं है लेकिन आपका, आप आजकल देखेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड होता है इंटरमीडिएट में, जो 1 feet से 20 feet के बीच में रहता है, तो उसके लिए प्रोग्रेसिव लेंसेस सबसे बेटर होता है, बेस्ट होता है। तो ये डिज़ाइन इसमें अलग अलग आते हैं, टेक्नोलॉजी अलग आती है। जैसे ऊपर आते हैं हम तो ये फील्ड ऑफ विजन बढ़ गया है, ब्लर पार्ट कम हो गया है इसमें। फील्ड ऑफ विजन बढ़ गया तो इसका बेनिफिट ये होता है, अपना नेक मूवमेंट, हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, अपना नेचुरल पोस्चर मेंटेन होता है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम होता है और विजन शार्पनेस बढ़ता है। तो ये प्रोग्रेसिव का मेन बेनिफिट है। साथ में पाथ ऑप्टिमाइजर टेक्नोलॉजी दी है, ये टेक्नोलॉजी तीन चीज़ों पर स्टडी करके लेंस में प्रोग्रेशन बनाती है। जैसे अपना प्यूपिल सेंटर है जहाँ से इमेज रेटिना को जाती है, फिर पिक्चर क्लियर होता है। दूसरी चीज़ अपना पूरा पावर, जो डिस्टेंस नियर पावर है वो, और तीसरी चीज़ जो अपना एज है उसके हिसाब से वो पाथ ऑप्टिमाइज टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोग्रेशन स्मूद हो जाता है, तो ईजी अडेप्टेशन हो जाता है, लेंस का अडेप्टेशन ईजी होता है, आपका कम्फर्ट भी बेटर मिलता है इसमें आपको। ये हुआ प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। इसके आगे आपको आजकल अपना जो, जैसे आपका नीड है कंप्यूटर है मोबाइल है, उसके हिसाब से अपने को ब्लू कट लेंसेज की ज़रूरत रहती है। ब्लू कट लेंस में कैसे होता है, आजकल अपना ज़्यादातर टाइम जो स्पेंड होता है 85% तक का, वो LED के आजू बाजू में स्पेंड होता है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है या ALED है, उसमें से जो ब्लू यूवी रेज आते हैं वो आँखों के लिए हार्मफुल होता है, उसको ब्लॉक करने के लिए ब्लू कट लेंसेस आते हैं। जैसे देख, ये दो टाइप के लेंसेस हैं, ये देखिए, ये एंटी रिफ्लेक्शन वाला लेंस है जो लाइट का ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, विजन शार्पनेस बढ़ता है, और ये ब्लू कट लेंस आता है। जैसे मैंने कहा आपको, ये LED है, मोबाइल है, उसमें से जो ब्लू यूवी रेज आते हैं वो आँखों के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको कट करने के लिए ये ब्लू कट लेंसेस आते हैं। ये देखिए सर, जैसे अभी ये तकलीफ हो रहा है, ये कट कर रहा है,
इसमें और एक टाइप आता है सर, ये हुआ ब्लू ब्लॉक लेंस। इसके साथ एक लेंस आता है ब्लू फिल्टर लेंस। ब्लू फिल्टर लेंस आते हैं, मतलब जो अपने आँखों के लिए इसेंशियल ब्लू रेज होते हैं। सारे ब्लू बैड नहीं होते, गुड रेज भी होते ब्लू रेज में। तो जो आँखों के लिए इसेंशियल होते हैं रेटिना के लिए, जिससे अपना बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन रहता है, उसके लिए ये ब्लू फिल्टर लेंस आते हैं, जो हार्मफुल ब्लू है उसको ब्लॉक कर देता है और जो इसेंशियल है उसको पास करता है। तो ये ब्लू फिल्टर लेंस आता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब अपने को कलर में कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आता है जी। तो एक ये लेंस है ब्लू फिल्टर लेंस। तो सर कौन सा रखूँ, ब्लू कट या ब्लू फिल्टर? मैं एज अ ऑप्टिशियन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू फिल्टर लेंस रखिए सर। चलेगा? हाँ जी सर। तो ये ब्लू फिल्टर रखेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के हिसाब से भी। तो ये फ्रेम अपना डिसाइड हुआ है सर, और वो ब्लू फिल्टर लेंस ये, तो ये आपको एक 4 working days में मिल जाएगा। हाँ, तो जैसे रेडी हो जाता है मैं आपको कॉल कर देता हूँ, और कुछ रेफरेंसेस रहेंगे सर तो दीजिए और विजिट कीजिए वापस। थैंक यू सर। वेलकम।